Hello students, I hope you all are fine at your home. Now today we will discuss chapter 11, fairy tales. Fairy tales are stories about fairies and characters that do not exist in real life but always teach us something good. फेरी टेल्स होती है वो क्या होती हैं, वो फेरीज की स्टोरीज होती हैं और उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, रियल लाइफ में नहीं होते हैं, बट उनमें से हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. वी कैन लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम देम. हम जो स्टोरीज सुनते हैं उसमें से हम अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं. ये चैप्टर में आपको टू कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी. आपको क्या करना है, देखो कॉलम ए में फेरी टेल्स के नेम्स दिए हुए हैं और कॉलम बी में उनके कैरेक्टर्स, तो हमें फेरी टेल्स को उनके कैरेक्टर्स से मैच करना है. ओके, लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी टू मेक करेक्ट पेयर्स. फर्स्ट पिक्चर देखो, फर्स्ट पिक्चर में है अलादीन. तो अलादीन की स्टोरी आप सबने सुनी है ना. अलादीन की स्टोरी में उसके साथ क्या होता है, उसका मैजिक लैम्प होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जादुई चिराग. अलादीन की स्टोरी आई होप आप सबने सुनी होगी. तो उसकी स्टोरी में उसके साथ होता है उसका मैजिक लैम्प, जिसमें से उसका जिन बाहर आता है और वो उसकी सारी विशेष पूरी करता है. तो अलादीन की स्टोरी में उसके साथ क्या होता है, उसका मैजिक लैम्प. ऑप्शन डी में देखो मैजिक लैम्प. तो आपको क्या करना है, अलादीन के सामने डी लिख देना. गेट द सेकेंड इमेज. सेकेंड इमेज में देखो लिटिल रेड राइडिंग हुड. ये स्टोरी एक स्मॉल गर्ल की है. तो उस स्टोरी में उसके साथ क्या होता है, कॉलम बी में हमें ऑप्शंस देखने हैं. सो उसके साथ उसकी स्टोरी में होता है वुल्फ. ऑप्शन ए वुल्फ. तो हमें वहाँ पर लिखना है, ऑप्शन ए लिख देना है सेकंड पिक्चर के ऊपर. थर्ड पिक्चर में देखो, थर्ड पिक्चर में है सिंड्रेला. तो सिंड्रेला की स्टोरी तो सबने सुनी ही है. उसकी स्टोरी में उसके साथ क्या होता है, ऑप्शंस कॉलम बी में देखो, उसके होते हैं ग्लास स्लीपर्स, यानी ऑप्शन बी आएगा. तो हमें सिंड्रेला के वहाँ ऑप्शन बी लिख देना है. सिंड्रेला की स्टोरी में उसके साथ उसके ग्लास के स्लीपर्स होते हैं. देन फोर्थ, फोर्थ देखो, फोर्थ है गोल्डिलॉक्स. ये भी एक स्मॉल गर्ल की स्टोरी है. इसके साथ इसकी स्टोरी में क्या होते हैं, तो देखो कॉलम बी में से हमने थ्री ऑप्शंस तो लिख लिए, तो कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी थ्री बेयर्स. तो गोल्डिलॉक्स की स्टोरी में उसके साथ होते हैं उसके थ्री बेयर्स. तो आपको वहाँ लिख देना है ऑप्शन सी. ये चैप्टर में हमने कॉलम ए और कॉलम बी को मैच किया है. ठीक है, कॉलम ए में फेरी टेल्स के नेम्स दिए हैं और बी में उनके कैरेक्टर्स दिए हुए हैं. ठीक है, ये चैप्टर आपको आपके टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है. चैप्टर 12, प्लेइंग इन द सनलाइट. सनलाइट इज नीडेड बाय आवर बॉडी टू बिकम स्ट्रांग एंड सनलाइट कैन क्योर मैनी डिजीज. देखो सनलाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है, सनलाइट से हमारा बॉडी स्ट्रांग बनता है और हम बहुत सारी डिजीज का इलाज भी कर सकते हैं. कैसे, जैसे अगर किसी के जॉइंट्स प्रॉब्लम है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हमें सनलाइट में बैठना, उससे विटामिन डी मिलता है. तो हमारे जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है वो सनलाइट से हम क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. सनलाइट है वो ह्यूमंस के लिए भी ज़रूरी है और प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है. अगर प्लांट को हम सनलाइट में नहीं रखेंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा. सनलाइट है वो हमारे लिए भी ज़रूरी है और एज वेल एज फॉर प्लांट्स ऑल्सो. आप सब भी सनलाइट में खेलते ही होंगे ना, पर माइल्ड सनलाइट में खेलना, हल्की धूप में खेलना, एकदम दोपहर में जब तेज़ धूप होती है आफ्टरनून टाइम में तब नहीं खेलना, आपको मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में ही धूप में खेलना है. लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट एक्टिविटीज़ यू शुड डू एंड क्रॉस द वंस यू शुड नॉट. यहाँ पर आपको फोर एक्टिविटीज़ दी है, वो आपको देखना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ राइट है वहाँ पर आपको टिक करना है और जो एक्टिविटी रॉन्ग है वहाँ पर हमें क्रॉस करना है. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, प्लेइंग इन माइल्ड सनलाइट. तो ये पिक्चर करेक्ट है. वाई, बिकॉज प्लेइंग इन माइल्ड सनलाइट मीन्स हमें हल्की धूप में खेलना चाहिए, तेज धूप में नहीं खेलना चाहिए. सो दिस एक्टिविटी इज राइट. यहाँ पर आपको टिक करना है. नाउ लुक एट द सेकेंड पिक्चर, प्लेइंग गेम्स इनडोर द होल डे. क्या बोला कि हमें दिन भर घर के अंदर ही गेम्स खेलने चाहिए, घर के बाहर जाना ही नहीं चाहिए. नो, इट्स रॉन्ग. अगर सिर्फ हम घर के अंदर गेम्स खेलेंगे तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, हमें आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए. सो दिस एक्टिविटी इज रॉन्ग. आपको यहाँ पर क्रॉस करना है. लुक एट द थर्ड पिक्चर, वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर द होल डे. क्या बोला कि हमें दिन भर हमारा जो काम है वो हमें कंप्यूटर पर ही करना चाहिए. नो, इट्स रॉन्ग. उससे हमारी आइज़ है वो ख़राब हो सकती है, आइज़ डैमेज हो सकती है, हमें स्पेक्स भी आ सकती है. दिन भर हमें कंप्यूटर पर गेम्स नहीं खेलने चाहिए और कंप्यूटर पर वर्क भी नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा इवनिंग में घर के बाहर भी आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए. सो दिस एक्टिविटी इज़ रॉन्ग. वहाँ पर आपको क्रॉस करना है.
क्रिएट द फोर्थ पिक्चर प्लेइंग आउटडोर गेम्स. यस, हमें आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए ना, दिन भर घर के अंदर गेम्स नहीं खेलना है, सिर्फ मोबाइल टीवी लैपटॉप पर नहीं बैठना है, हमें घर के बाहर अदर एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए. तो यस, इट्स राइट, यहाँ पर आपको टिक करना. आउटडोर गेम्स खेलने से हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है और हमें सनलाइट भी मिलती है. सो सनलाइट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर अवर बॉडी. सनलाइट है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, हमारे ग्रोथ के लिए सनलाइट ज़रूरी है. सो इट इज़ राइट, आपको यहाँ पर टिक करना है.